बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग लिटिल आयरा एंड फैमिली। आज का सीन ये है कि आज मैं आप लोगों को आईफल टावर दिखाता हूँ। पेरिस ले जाके नहीं दिखाऊंगा, हमारे लाहौर में भी आईफल टावर है और वैसे ही सेम बना हुआ है जैसे आप लोग पेरिस में टीवी में वीडियोस में देखते हैं। यहाँ पे आपको लाइव दिखा दूंगा और सेम टू सेम वैसे ही है, और किस तरह का बना हुआ है, कैसा बना हुआ है कि मैं आपको वहाँ जाके बताता हूँ। अच्छा, आईफल टावर का जो सीन है ना वो ये है कि अगर आप लोग बहरिया के अंदर आ रहे हैं तो उसका रास्ता मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ जिनको नहीं पता। तो आप लोग अगर एलडीए से आ रहे हैं लाहौर में जैसे, तो सीधा अगर आप आएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले मोर चौक आ जाओ। मोर चौक से सीधा तलवार चौक, उसी रोड पे आपने सीधा आना है। तलवार चौक से सीधा आप आगे आ जाएंगे उसी रोड पे, तो आगे जाके आपको आईफल टावर खुद ही नज़र आ जाएगा। और अगर आप लोग जो है वो हाईवे वाली साइड से आ रहे हैं, मुल्तान रोड वाली साइड से आ रहे हो, तो फिर आप सबसे पहले जो है जहाँ पे मलक रियाज का जो फार्म हाउस आता है कॉर्नर पे, तो वहाँ से आप लोग हो जाएं लेफ़्ट साइड पे, वहाँ से आप लेफ़्ट साइड पे होंगे तो उसके बाद फिर आप सीधा आ जाएंगे तो फिर मोर चौक आ जाएगा, और मोर चौक से फिर दोबारा से आप लोग राइट हो जाएंगे तो फिर आईफल टावर तलवार चौक, ठीक है। और ये फेमस यहाँ के चौक हैं, तलवार चौक हो गया, मोर चौक हो गया, ये यहाँ के बहुत फेमस हैं, ठीक है ना। आप लोग आराम से ईजीली पता भी चल जाएगा, और फिर वहाँ से जो आप सीधा आएंगे तो आपको आईफल टावर नज़र आ जाएगा। हमारी काम, ये मोहम्मद की काम आ गई है। मोहम्मद अब इसमें लेटेगा, चले चले आगे। अजी यार मोहम्मद, चल ये आईफल टावर के बाहर इन्होंने शॉप्स वगैरह बनाई हुई हैं, छोटी शॉप्स होती हैं ना जिस तरह वैसे बनी हुई है। यहाँ पे ये सारा पार्किंग है ये, और ये शॉप्स हैं जो भी खड़े हैं। ये आईफल टावर है यहाँ पे पूरा। अब इसका मैं क्लोजली भी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये कि दूर से इसका जो व्यू है वो इस तरह का है। और यहाँ पर लिफ्ट भी हैं, फर्स्ट सेकेंड फ्लोर लास्ट पर भी है, जहाँ पर आप लोग जो है ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल टॉप पे इन्होंने बंद किया हुआ है शायद, वो जो बिल्कुल टॉप पे है आई थिंक, मुझे नज़र आ रहा तो रहन हो। एनी वेज देखते हैं अभी जाके क्या सीन है, फिर मैं आप लोगों को देखूँ। फ़ोटो शूट भी हो रहा है, और क्योंकि यहाँ पे लोकेशन अच्छी है तो यहाँ पे लोग जो है फ़ोटो शूट भी वगैरह के लिए भी आते हैं, इसलिए ये इसकी एंट्रेंस है। यहाँ से वो पीछे पार्किंग मैंने आप लोगों को दिखाई थी, वहाँ से पार्किंग थी, पार्किंग से आप अंदर आते हैं तो फिर यहाँ पे ये एंट्रेंस आ जाती है। ये शूट के लिए चल रहे हैं, ब्राइड भी है और वो भी है, आई थिंक जैसा गार्ड भी चल रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई बंदा है शायद जिसकी वजह से। ये इसकी इंटरेस्ट है, यहाँ से सीधा आप जाएं आगे। ये छोटे छोटे डिज़ाइंस बनाए हुए हैं पार्क के अंदर ही। असल में तीन चार दिन लगा था यहाँ पे, बारिश भी हुई है लाहौर में ना, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी काफ़ी ज़मीन गीली वगैरह कीचड़ वगैरह बहुत हो रहा है, तो इसलिए काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे भी देखने के लिए। एक अच्छा व्यू है, ये सब क्लोजली व्यू है। ये ब्लो बिल्कुल क्लोजली व्यू है आईफल टावर का, इन्होंने ये इस तरह इसको बनाया हुआ है, बहुत बड़ा है। वैसे अगर हम लोग इसको देखें, इसका हाइट बहुत बड़ी है। ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे भी आप लोग लिफ्ट्स के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। और ये ऊपर तक वो एंड तक जा रहा है इसका, इस तरह ये बना हुआ है। ये सामने ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट के थ्रू आप लोग ऊपर जाते हैं, और फ्री नहीं है, टिकट्स हैं, जब भी लोग लाइन लगा के जो वो खड़े हुए हैं यहाँ पर। और आपको रश भी इतना नहीं लग रहा, लाइन थोड़ी छोटी है, और अगर ये फ्री होता तो अभी इधर बहुत लंबी लाइन होती। ये सीन है सारा यहाँ पे आईफल टावर।
हो रहा है, स्लाइड है। यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी के लिए बच्चों के तरफ से झूले भी हैं, लेकिन लोकली झूले जो नॉर्मल होते हैं, जैसे हाई फाई झूले नहीं, जंपिंग का है, ये मोटर बाइक है जो बच्चों की होती है, रेंट पे आई थिंक होती है बाइक्स भी। यहाँ पे ये जंपिंग का है बच्चों का, और ये बोट है। ये बोट मैं जब से देख रहा हूँ, जब मैं बिल्कुल छोटा होता था ना, इस बोट में हम लोग बहुत बैठे, लेकिन ये बोट भी जो है ना, बड़ा मज़ा आता है इसमें बैठने का। लेकिन इसका ये है कि जो लास्ट में जो बैठता है ना टॉप, इसके टेल पे, उसको बहुत ज़्यादा गुदगुदी होती है। इन्जॉयमेंट तो फुल टाइम है अगर आप इन्जॉय करें तो। हाँ, कैसे? अरे कैसे पैर? अरे ड्रैगन ट्रेन। यहाँ पे इन्होंने मल्टी कलर की लाइट्स ऑन हो जाती है मगरिब के बाद ना, जब अंधेरा होता है तो पूरे इसमें जो है वो लाइट्स ऑन होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, ये खूबसूरत लगता है। जैसे इन्होंने लाइट्स ये इस तरह ये पूरी ऊपर तक लाइट्स लगती हैं, तो रात हो जाए पूरी तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है, अभी इतनी फील नहीं हो रही, लेकिन लाइट्स इस तरह की मल्टी कलर्स में होती हैं। इनका आउटडोर है, हम लोग इंडोर में बैठे, बट सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से, लेकिन अगर आपको ठंड का इशू नहीं है तो फिर आउटडोर में बैठे, आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे बैठने में, बाहर से ज़्यादा मज़ा आता है बैठने में। टमाटर की चटनी पेस्ट, इनका बहुत मज़े का होता है। ये है डोनर प्लेटर विद राइस, इसके नीचे राइस और चिकन है, सॉस है, और इसके साथ ये रोटी है, ब्रेड है, और Mm-hmm.
ये है टर्किश कनाफा इनका, बहुत मज़े का होता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्राई किया था, हमें बहुत अच्छा लगा था, इसलिए हमने दोबारा जो है उसको मंगवाया। और हाँ ठीक है अभी इतना। बहुत मज़े की चीज़ होती है, आप लोग उसको ट्राई करेंगे। जिनके डिफरेंट प्रिंकल्स हैं, जिसको हम लोग अचार कहते हैं ना, ये वो है। इसमें कैरेट का भी है और डिफरेंट है, लेकिन बहुत मज़े के लग रहे हैं मुझे प्रिंकल्स वगैरह। सो ये था आज का ब्लॉग, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे होगा। तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, एक नई प्लेस पे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।